ऋषभ, इमरान, एंजेलिना, दीक्षा और प्रज्ञा, आप सभी तो ये कि दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण को जोड़कर कौन सा शब्द कैसे बनता है, यहाँ ये क्या लिखा है? बरगद। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ऋषभ आपसे मैं पूछती हूँ कि ये मैं क्या लिख रही हूँ? ऋषभ बताइए क्या लिखा है? ककड़ी। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इमरान आप बताएंगे कि मैं क्या लिख रही हूँ? ये क्या लिखा है? पपीता। हाँ बिल्कुल ठीक। दीक्षा आप बताइए मैं क्या ये लिखने जा रही हूँ? ये क्या लिखा है? लकड़ी। हाँ बिल्कुल ठीक बताया। प्रज्ञा अब आप बताएंगी कि मैं क्या लिख रही हूँ? ये क्या लिखा है प्रज्ञा बताइए? हाँ पढ़िए। खरबूजा। हाँ बिल्कुल ठीक। कैसे पढ़ेंगे इसको? खरबूजा। हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या लिखा है? सपना। सपना। जोर से बोलिए। सपना। सपना। सपना नहीं लिखा बेटा, सपना। सपना नामे आ की मात्रा सपना। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा तो बच्चों आज हम आपको आधे वर्ण के साथ पूरे वर्ण को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है ये बताने जा रही हूँ, ठीक है? जी हाँ दीदी। तो ये बताइए ये क्या लिखा है? सचा। सच सच। हाँ ये सचा नहीं लिखा है, ये मैं बताती हूँ आपको कि ये पूरा सा है, हैं? आधा चा लिखा है और ये पूरा चा है, इसमें आ की मात्रा लगा दी तो इसे पढ़ेंगे सच्चा, ठीक है? इसी तरह से आधे वर्ण को पूरे वर्ण के साथ पढ़ते हैं। अब ऋषभ आप बताइए आप स्कूल जाते हैं? जी हाँ दीदी। तो स्कूल को कैसे लिखेंगे? आधा सा काका में बड़े ऊ की मात्रा और ल। आप लिख के बताएंगे? जी हाँ। आइए देखिए सब लोग कैसे लिखते हैं स्कूल। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। स्कूल को देखो बच्चों ऐसे लिखते हैं। और दीक्षा आप बताइए मंदिर लिखना जानती हैं? जी हाँ दीदी। कैसे लिखेंगे मंदिर को? माँ उसमें। हाँ बोलिए। माँ आधा ना दामे छोटी। जोर से बोलिए बेटा। माँ आधा ना दामे छोटी की मात्रा रा। हाँ बिल्कुल सही बताया। एंजेलिना अब आपसे मैं पूछती हूँ, आप सभी को मालूम है रसगुल्ला अच्छा लगता है? हाँ दीदी। क्या होती है रसगुल्ला? मिठाई होती है ना? हाँ। तो कैसा होता है उसका स्वाद? मीठा। मीठा होता है। अच्छा रसगुल्ला लिखेंगे कैसे बताइए? रा सा गा, गा में ऊ की मात्रा, आधा ला ला, ला में आ की मात्रा। हाँ बिल्कुल सही बताया। रसगुल्ला में आधा ला का प्रयोग होगा। इमरान आप लिख के बता सकती हैं? हाँ दीदी। आइए एंजेलिना बता रही हैं हम लोगों को कि रसगुल्ला कैसे लिखेंगे। दीक्षा प्रज्ञा इमरान और ऋषभ देखिए इधर। रा लिखा, सा लिखा इन्होंने और गा लिखा, उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाई और आधा ला लिख करके पूरा ला लिखा और आ की मात्रा के साथ इसको पूरा किया। तो ये क्या हो गया? रसगुल्ला। दीक्षा ये क्या हुआ बेटे?
रसगुल्ला। जोर से बोलिए, रसगुल्ला। हाँ, पढ़ने में आ रहा है आपको? हाँ। समझ में आया? हाँ। प्रज्ञा आप बताइए ये क्या लिखा है। आधा चा छा आ की मात्रा, ये क्या हुआ? अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए एंजेलिना कि मच्छर कैसे लिखेंगे? माँ। हाँ च। आप लिख के बताएंगी? हाँ। आइए ये देखिए एंजेलिना आपको बताने जा रही है। ये जो एंजेलिना ने लिखा है, आप अपनी जगह पे जाइए। ये मच्छर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। मच्छर ऐसे लिखेंगे माँ। अच्छा ये बताइए आप लोगों में से कोई मच्छर लिख सकता है? ऋषभ आप लिखेंगे? जी हाँ। आप लिख के बताइए। गुड। माँ आधा चा छ चा। क्या लिखा? मच्छर। हाँ आप अपनी जगह जाइए। बच्चों ये क्या लिखा है? मच्छर। हाँ ऋषभ ने ये लिखा है मच्छर। अच्छा बच्चों ये बताइए आप लोगों ने ये बंदर देखा है? जी हाँ दीदी। सबने देखा होगा ना? हाँ दीदी। इमरान आप बताइए बंदर कैसे लिखते हैं? बा आधा ना दा रा बंदर। हाँ बिल्कुल सही। दीक्षा आप इसको लिख के बताएंगी? दीक्षा ने लिखा बा आधा ना द और र, ये क्या लिखा है? बंदर। हाँ तो इस तरह से आधे वर्ण को पूरे वर्ण के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? जी हाँ दीदी। अच्छा बच्चों सिकंदर जब लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे एंजेलिना आप बताएंगी? हाँ दीदी बताइए। स संवे छोटे ए की मात्रा क आधा न द र। स छोटे ए की मात्रा क आधा न द र। बच्चों ये सही बता रही हैं? आप लोग बताइए। जी हाँ दीदी। हाँ तो कैसे लिखेंगे ये? सा छोटी की मात्रा का आधा ना द और रा, ये सब मिला करके क्या पढ़ेंगे इसको? सिकंदर। मंदिर कैसे लिखा जाएगा? माँ आधा ना द आधा ना दा, दा पे छोटी ई की मात्रा रा मंदिर। हाँ तो इमरान ने जो बताया है वो ऋषभ आप लिख के बताएंगे? जी हाँ जी। लिख के बताइए। माँ दी मंदिर। ये दीक्षा और प्रज्ञा आप लोग बताइए ये क्या लिखा है? मंदिर। हाँ बिल्कुल ठीक। अब आप लोग समझ में आ रहा है आधे अक्षर पूरे अक्षर के साथ जोड़ करके कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं। अच्छा आप लोगों ने वो खाया है रसगुल्ला? जी हाँ दीदी। रसगुल्ला कैसा होता है? बहुत ही मीठा होता है और उसका स्वाद बड़ा मीठा होता है। स्वाद कैसे लिखेंगे बच्चों? स्वाद सा वा में ओ की मात्रा। जोर से बोलिए दीक्षा। सा वा वा में ओ की मात्रा दारा। नहीं हम बताते हैं आपको कि स्वाद कैसे लिखेंगे। ये क्या है? आधा सा, आधा सा। ये क्या लिख रहे हैं? वा, वा। इसमें क्या लगाया हमने? आ की मात्रा। और ये क्या लिख रहे हैं हम? दो, दो। अब इसको मिला के क्या पढ़ेंगे? स्वाद। ये क्या लिखा है? स्वाद। कॉपी में लिखते हैं किसी से? पेंसिल से लिखते हैं? जी हाँ दीदी। से लिखते हैं? पेंसिल से। तो पेंसिल कैसे लिखेंगे? प प में ए की मात्रा आधा न स ल। एंजेलिना आप लिख के बताएंगे इसको? जी हाँ दीदी। आइए
इन्होंने लिखा पा, पा में ए की मात्रा। एंजेलिना कुछ लिख रही हैं। बच्चों अभी हम आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है पेंसिल, और लेकिन हम लोग क्या कहते हैं उसको, पेंसिल। तो पेंसिल को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हम बताते हैं आपको। पा है ये, इसमें एक ही मात्रा लगाए, आधा ना, फिर सा लिखेंगे, फिर इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, फिर ला लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेंसिल। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको ये पता चल रहा है कि आधा चा, आधा ना और ये आधा सा, इसको जोड़ करके कैसे वर्ण, आधे वर्ण क्या, पूरे वर्ण पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? जी हाँ दीदी। बच्चों अच्छा, आज आपने यहाँ पर क्या सीखा, आधे वर्ण को पूरे वर्ण के साथ लिखना और पढ़ना सीखा।